हे अंबे माँ, मेरी मदद करो। सुनैना, कई दीदी मुझे पुकार रही है। शिकार खुद मेरे पास चलकर आ रहा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या बात है अधिराज, शिकार खुद शिकार बनने चला आया। अब इसमें तेरी क्या गलती है, चला तीर। इस शिकार को मारने में बहुत मजा आएगा। कहाँ चली गई है लड़की? अम्मा को क्या जवाब देंगे हम? यहीं कहीं गई होगी, सभी पकड़ कर लाते हैं। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करना माँ। अब आगे कैसे जाओ, यहाँ तो गहरी नदी है। पहले तो सुना ही था कि आगे कुआं पीछे खाई, और आज देख भी लिया। अब भाग कर दिखा। वो कमंडी लड़की, मेरी मदद करो। आखिर ये लड़की कहां गायब हो गई? मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सुनैना ने मुझे आवाज लगाई है। चंदा बेटा, थोड़ी दूर और चलकर देखते हैं। हाँ, एक आखिरी बार। अरे नहीं ना नानी। पर नानी सुनो तो। मुझे उस महल में वापस नहीं जाना है, मुझे बस मेरी नानी के पास वापस पहुंचा दो। या देवी सर्वभूतेषु, या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य
चंद्रलेखा की साधना में विघ्न डालने की कोशिश की। जा! जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां। आवाज तो इसी तरफ से आ रही है, अभी देखता हूं। महल? ये महल यहां कहां से आ गया? सालों से तो इस जगह पर घना जंगल था, आज अचानक ये महल? हैरानी की बात है कि हम में से किसी गांव वाले को अभी तक ये महल दिखा क्यों नहीं। खैर चलकर देखता हूं आखिर इस महल में रहता कौन है। नानी, आप मेरे सिखाया था ना कि धैर्य और सहन शक्ति तो वो अंदरूनी ताकत है, हर संकट टाला जा सकता है। मुझे आज उसी शक्ति की बहुत जरूरत है नादी। मेरे धैर्य का बाण टूटा जा रहा है। तुम कहाँ हो नादी? तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ ना, आओ ना नादी।
वो तो कोई पंडित लग रहा है। पंडित? पर पंडित यहाँ क्या कर रहा है? वही तो माँ, सोचो वह रानी माँ साधना पे साधना किए जा रही हैं और यहाँ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। पहले वो लड़की आई और अब ये पंडित, ऊपर से महल भी सबको दिखाई देने लगा है। माँ सोचो अगर इस पंडित ने गांव वालों को जाके महल के बारे में बता दिया तो हमारा कोई भी राज राज नहीं रहने वाला। काली जुबान चुप कर और सुन, जल्दी से चलते हैं और चंद्रलेखा को जाके बताते हैं। चल चल। ये महल रातों रात तो यहाँ बन नहीं सकता। इसका मतलब ये महल यहाँ था पर दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं ये वही महल तो नहीं जिसकी कहानियाँ सुनैना बिटिया की नानी सुनाती रहती हैं। इसका मतलब ये वही अदृश्य महल है जो अब अचानक दिखने लगा है। चंद्रलेखा, महल अभी भी सबको दिख रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है चंद्रलेखा? तुम्हें अपनी शक्तियां मिली? तुम्हारी साधना भी पूरी नहीं हुई चंद्रलेखा और तुम इस तरह हंस रही हो? देखो सब लोग महल की ओर आ रहे हैं। वो आ नहीं रहे हैं मंदाकिनी, उन्हें बुलाया जा रहा है। कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो, तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी। आज तक तुम्हें ये भी नहीं समझ में आया कि चंद्रलेखा कितनी बड़ी शिकारी है और उसकी प्रार्थना में कितनी ताकत। आज उसी प्रार्थना से प्रसन्न होकर डाक गुरु इस पंडित को मेरे पास भेज रहे हैं। डाक गुरु के आशीर्वाद की शक्ति और मानव रक्त के प्रभाव से मुझे मेरी शक्तियां एक बार फिर से मिल जाएंगी। ये महल एक बार फिर से पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा। देखा ना, इसे कहते हैं चंद्रलेखा का चमत्कार। शिकार खुद मेरे पास चलकर आ रहा है तो फिर मैं खुश क्यों ना हूं? बोलो। कनक जाओ और इसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जी रानी। उसकी आवाज तो सुनाई दी मुझे पर तुझे कोई दिखाई नहीं दिया आसपास? कोई नहीं है रानी। किसी ने तो मुझे पुकारा था, कोई तो था। कोई नहीं था नानी, मैं सच बोल रही हूँ। Thank you.
ये जगह और यहाँ का वातावरण दोनों कितना अजीब सा है। बहुत डरावनी लग रही है ये जगह। लगता है मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। कौन कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है? जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो। बोलती क्यों नहीं तुम? ये इंसान भी ना अजीब होते हैं। सामने मौत खड़ी है और कह रहा है कौन हो तुम? और उस आफत को भी देखा ना, कितना परेशान किया मुझे उसने। बस मेरी शक्ति मिलने की देर है, फिर मैं सबसे पहले उसके जीवन को नर्क बना दूंगी। शौक है ना तुम्हें भागने का? अब भाग कर दिखाओ। मैंने इतने भार क्या कदम रखने दिया, तुम तो उड़ने लगी। पर हमें भी पर काटना आता है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो, अपनी नानी के पास। मर जाओगी यहाँ। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे, और वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद? तुम्हारी इन आंखों में ना आंसू नहीं, डर देखना चाहते हैं। अधिराज का डर। तुम डरते क्यों नहीं हमसे? डरो। तुम्हारी इन घमंडी आंखों में जब तक हम अपने लिए डर नहीं देख लेते, ना तो हम चैन के सांस लेंगे और ना ही तुम्हें लेने देंगे। सैनिको, नानी की तरह तुमको भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना? बात आप पे भरोसा करने की नहीं है, बात तो नानी का भरोसा तोड़ने की है। और आज तक तो मैंने और मेरी दीदी ने नानी से कुछ नहीं छुपाया, अभी छुपाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कौन क्या छुपा रहा है मुझसे? अरे अभी हमारी प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई और टपक पड़ी ये बूढ़ी विषय बदलने। तारा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ कोई और भी है क्या? तारा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कौन हो तुम? तुम हमारे घर में आए हो और हम ही से सवाल जवाब कर रहे हो।
क्यों बताएं तुम्हें कि हम कौन हैं? अगर तुम शैतानी शक्ति हो तो मैं भी अम्बे माँ का भक्त हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होगी तू कोई डायन और चुड़ैल, पर अम्बे माँ की भक्ति और शक्ति के आगे शैतानों का कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा तो हमें भी दिखाओ अपने अम्बे माता की भक्ति की शक्ति। जय मां अम्बे। जय मां अम्बे। मंदाकिनी जाओ जाकर अपनी बेटी को संभालो, पर ध्यान रहे ये पंडित की आहुति ठीक रात को 12 बजे दी जाएगी, तब तक के लिए इसे तहखाने में बंद कर दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये पंडित मुझे मेरी खोई हुई शक्ति वापस दिलाएगा। इसके रक्त और दाग गुरु के आशीर्वाद से मैं फिर से परम शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मैं अपने सारे दर्द, सारे कष्ट, सारी नाकामयाबी का जी भरकर बदला लूंगी उससे। सब कुछ जानने की इतनी जल्दी क्यों है तुझे? आज तेरा आखिरी दिन है। आखिरी दिन? अगर दोबारा कोशिश की भागने की तो परिणाम और भी क्रूर होगा। तो ठीक है, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में मैं इस महल से भागकर दिखाऊंगी। हमें अच्छा लगा कि तुमने खोखली ही सही और आधिराज को चुनौती तो दी। समय बताएगा कि ये चुनौती खोखली थी या असली।